हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम जो शुरू करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट इज लिमिट। लिमिट होती क्या है? सबसे पहले हम जो है देखो, अब तक हमने जो पढ़ा है फंक्शन पढ़ा है। फंक्शन जैसे मान लीजिए फंक्शन पढ़ा था ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। और अगर मैं इसकी वैल्यू एट एक्स इक्वल टू फाइव पे निकालनी हो, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? एफ फाइव इक्वल टू फाइव का स्क्वायर इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई फाइव इक्वल टू 25। कितना आ जाएगा? 25 आ जाता है, ठीक। अच्छा, अगर मैं कहूँ लिमिट ये है, अगर ये कहूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव एफ एक्स की वैल्यू निकालनी। अच्छा, यहां तो एक्स इक्वल टू फाइव पे थी, यहां की वैल्यू कितनी थी? एक्स इक्वल टू फाइव। यहाँ एक्स इक्वल टू फाइव पे नहीं, यहाँ एक्स टेंड्स टू वन। अगर इसे एक प्लॉट करूं, ड्रा करूं कहीं भी, जैसे ये मैंने ड्रॉ करा, ये कोई लंबा लाइन है, तो इस पे यहां आ गया, ये यहां मान लिया, यहाँ गया एक्स इक्वल टू फाइव। ये फंक्शन की वैल्यू निकाल दी मैंने, एक्स इक्वल टू फाइव। अगर अब कहूं मैं एक्स टेंस टू फाइव, एक्स टेंस टू फाइव मीन्स, एक्स टेंस टू फाइव मीन्स क्या होता है? अगर प्लेट ड्रॉ करूंगे, ये क्या है? एक्स टेंस टू फाइव है, ये क्या है? ये एक्स टेंस टू फाइव है, क्या? एक्स टेंस टू फाइव है। इसका जहां अगर ये फाइव आ रहा है, यहां क्या आ रहा है? ये फाइव आ रहा है। इसके थोड़ा सा लेफ्ट में, इधर यहां थोड़ा सा राइट थी, यानी कि पांच के आसपास, एग्जैक्टली पांच नहीं, इसे इसी बोलते हैं लिमिट एक्सटेंड टू फाइव, यानी पांच के आसपास, पांच के, अगर यहाँ है जो पांच, इसके पांच के आसपास इधर क्या हो सकता है? ये जैसे 5.9999, फिर क्या हो सकता है? 5.009, फिर क्या हो सकता है? 5.0001 या 5.9998, तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, ये पांच के आसपास। इसी तरह इधर के क्या आ सकता है? इधर ये इसके आसपास इधर क्या आ सकता है? ये जैसे 4.999, 4.998, 4.993, इट मीन्स, ठीक है, यानी कि इसके पांच के आसपास भी दो तरह हो सकता है। एक तो इसमें होता है, क्या हो सकता है? लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में, और एक कहां हो सकता है? राइट हैंड में। तो यही होता है एक्स टेंस टू फाइव, एक्स टेंस टू फाइव, जो भी इसके लेफ्ट में रहेगा, जो भी उसके लेफ्ट में, उसे बोलते हैं एल एच एल, एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जो इसके कहने में होगा राइट में होगा, उसे बोलते हैं आर एच एल, आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट। अंडरस्टैंड भाई इतना, ठीक है? यानी कि जो पांच राइट हैंड लिमिट होगी वो पांच से थोड़ी सी ज्यादा होगी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो पांच से थोड़ी सी कम होगी। जैसे अगर मान ले इसकी मैं एल आर एच एल ही लिखता हूँ, इधर लिमिट की भी दो हिस्से हो गए, राइट हैंड लिमिट क्या हो गए? लिमिट एक्स टेंस टू फाइव, ये प्लस में हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ये प्लस में हो जाएगी। अगर मैं लिमिट एक्स टेंस टू फाइव माइनस ये लिखूं, तो ये क्या आ जाएगी? ये लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी अगर पांच से थोड़ी सी ज्यादा है, पांच से थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएगी? राइट हैंड लिमिट। और क्या आएगी? लिमिट लैंड लेफ्ट हैंड लिमिट। इसकी जो है लिमिट की मैं वैल्यू जो है इस तरह निकाल लूंगा, अगर बाय चांस एल एच एल बराबर क्या आ गया, एल एच एल बराबर क्या हो गई, आर एच एल आ जाए, तो फंक्शन कहते हैं एग्जिस्ट है। क्या फंक्शन क्या कहते हैं? एग्जिस्ट है, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट। तो किसी भी फंक्शन की हम जो वैल्यू निकालेंगे, पहले एल एच एल पे चेक कर लेंगे, फिर आर एच एल पे कर लेंगे। एल एच एल मीन्स क्या है?
कि उसके लेफ्ट में नंबर, उसके लेफ्ट से नंबर जो नंबर देगा उसके आसपास थोड़ा कम, 5 से कम, वो इधर क्या होता है 5 से ज्यादा, यही एक जो है फंक्शन, यही है लिमिट, यही है लिमिट। जैसे कि लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है, दिखाता हूं मैं, जैसे 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 मैंने ये कहा कि मान लो कोई फंक्शन है f(x)=, ये है, ये 4 है और ये 8 है, या 3 8 या 7, 5 और 8, 5 और 8, 5 और 8, ये मान लिया फंक्शन है मेरा x is greater than 3। ये क्या है ये इस तरह का फंक्शन है, ये इस तरह के जो है, ये फंक्शन इस तरह टूटा हुआ है कि f(x)=5 है। 5 कब है, अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, और जब जो है ये 8 वैल्यू है, x की वैल्यू जब क्या है 3 से छोटी होगी। अगर इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, इसको ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, ये क्या कर सकता हूँ, मैं ड्रो कर सकता हूँ। जैसे मान लिया ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10। ठीक इसी तरह अगर मैं तो बाई एक्स एक्स पे लेता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, और क्या करें कि जब एक्स की वैल्यू क्या है लेस देन 3 है, जब एक्स की वैल्यू क्या है लेस देन 3 है, तो इसकी कितनी वैल्यू है 8 है, कितनी है 8, ये क्या एक्स की लेस देन, मतलब यहां से थोड़ा सा कम से, यहां से ये है। ये डरा हो जाए, ये थोड़ी ही है। ठीक, और जब एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है, जब एक्स की वैल्यू कितनी है 3 से बड़ी है, तो कितनी है 5। 3 से बड़ी कहाँ है, यहाँ, तो ये यहां से डरा हो जाएगा, यहां से 5 कहाँ है, यहाँ होगा, यहाँ इस तरह, अगर इसको मैं डरा करना बोल इस तरह कर देता है, यानी एक्स की वैल्यू अगर 3 से क्या है कम है, तो कितनी है 8, यही है, और एक्स की वैल्यू अगर 3 या 3 के इक्वल है तो कितनी आ जाएगी, है 5। जब 3 के इक्वल है तो 3 भी आ जाएगा इसके अंदर, 3 के इक्वल है ये, तो ये भी आ जाएगा इसके अंदर 3। तो ये दैट इज इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, तो इनकी क्या निकाल लेंगे, मैं लिमिट निकाल लूंगा। इस तरह के दो फंक्शन ये होंगे कि एक्स की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो वैल्यू ऑफ एक्स की 5 है, अगर एक्स की लेस देन 3 है तो वैल्यू कितनी है 8। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अच्छा, जैसे एक है फंक्शन है मेरा, अगर मैं इसको मैथमेटिकली कुछ डिफाइन करना चाहूं, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू ए f(x)=n,
limit x tends to a f x saying that f x minus l, just saying that f x minus l is less than epsilon, is less than epsilon for all x, and x minus a to 0 to delta, x minus a 0 to delta. Achha, both are evaluating again epsilon and delta are both small positive integers. Both small positive integers. अगर इसको मैथमेटिकली मैं जो है डेफिनेशन देना चाहूँ लिमिट की, अगर मैं किसी लिमिट की मैथमेटिकल डेफिनेशन देना चाहूँ, कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसकी एक्स टेंस टू ए पे लिमिट कितनी आ रही है, एल आ रही है. किस तरह एल आ रही है कि एफ एक्स माइनस एल, एफ एक्स में से एल जो इज लेस देन है क्या है, एप्सिलॉन, और जो एक्स माइनस ए, जो फंक्शन जिसकी फंक्शन किसका फंक्शन है, एक्स का, जो लिमिट है एक्स माइनस ए की वैल्यू जीरो हो डेल्टा के बीच हो, और ये जो एप्सिलॉन है और डेल्टा है दोनों पॉजिटिव स्मॉल इंटीजर हो, लीस्ट स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर हो, दैट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर ए लिमिट. ठीक, हटके समझ लो कि मान लो कोई फंक्शन है, उसकी लिमिट है एफ एक्स, एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स इज इक्वल टू एल, इसकी कोई लिमिट निकालनी है मुझे, क्या निकालनी है, एफ एक्स माइनस एल, एफ एक्स इस तरह क्या आ जाए, एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन क्या आ जाए, एप्सिलॉन से, और जिस पर लिमिट लानी थी इनके दोनों का डिफरेंस, एक्स जिसका फंक्शन है एक्स माइनस ए किसके बीच करे, लाइक जीरो डेल्टा के बीच करे, जो एप्सिलॉन है और डेल्टा है दोनों क्या होना चाहिए, बोथ क्या होना चाहिए, स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है, दैट इज कॉल्ड द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ लिमिट. अच्छा, अब हम जो है इसको सोल्व करते हैं. एक लिमिट का हम क्वेश्चन लेके सोल्व करते हैं, किससे निकालते हैं हम लिमिट, किससे निकालते हैं, जैसे जैसे लिमिट एफ टेंस टू टू एफ स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू. देखो भाई, इसमें ऊपर भी एक्स की वैल्यू रख देते हैं टू, नीचे भी टू की वैल्यू रख देते हैं, मतलब दो जगह के आसपास दो ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी. तो जैसे क्या आ गया, टू की पावर टू प्लस फाइव मल्टीप्लाई टू प्लस सिक्स अपॉन टू प्लस टू. ठीक, तो टू 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 दस फोर प्लस फाइव प्लस टू द टेन प्लस सिक्स अपॉन फोर, फोर टेन फोर्टीन प्लस सिक्स क्या आ गया, ट्वेंटी फोर अपॉन फोर इक्वल टू टेन अपॉन फाइव इक्वल टू क्या आ गया, टेन अपॉन फाइव. तो ये आ गया भाई. तो इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर यही सवाल होता, एक और सवाल देखो, लिमिट एक्स टेंस टू टू, लिमिट एक्स टेंस टू टू, ये आ गया एक्स माइनस टू, क्या आ गया, एक्स माइनस टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिमिट अगर टू रखेंगे तो क्या आ गया, टू की पावर टू माइनस फोर अपॉन टू माइनस टू, क्या आ गया, फोर माइनस फोर, फोर माइनस फोर अपॉन टू माइनस टू जीरो, इक्वल टू जीरो अपॉन जीरो. तो ये
0.0 इसको बोलते हैं कि इस तरह की कोई फॉर्म हो जाएगी, तो बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, इस तरह नहीं निकलता। फिर इसके निकालने के कुछ मेथड हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड है, या भी और भी कोई एल हॉस्पिटल रूल है, बहुत कुछ इसके फॉर्मूले हैं, कुछ टेक्निक है, उनका यूज करेंगे। ठीक नहीं है, तो अब ये नहीं निकलता, इसको बोलते हैं अगर 0/0 या कुछ और भी होते हैं, 7-8 फॉर्म होते हैं, तो बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म को अब जो हम जो लिमिट निकालेंगे वो ही इनडिटरमिनेट फॉर्म की निकालते हैं। जो इनडिटरमिनेट मीन्स एक तरह के जो हल ना हो सके, ये होते हैं 7 तरह के। अभी बताता हूँ कौन कौन से होते हैं, तो उन्हीं क्या है हम जो है लिमिट निकालेंगे। इससे पहले जो मैं देखूंगा फंक्शन, अभी बताता है मैंने कि किसी भी फंक्शन को चेक करने के लिए कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, सबसे पहले हम उसमें से क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर क्या निकालेंगे उसकी राइट हैंड लिमिट। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट आर इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन वी कैन सेट द लिमिट इट एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, -3 अपॉन -3, ये मॉडल, ये सवाल है भैया। ये इसमें चेक करना है कि ये लिमिट इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इसमें चेक करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इसमें नहीं करती है। ठीक, किसी तरह जिस तरह, अच्छा अब अगर इसके किसी भी चीज की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, फिर क्या निकालो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर एल एच एन, एल एच एन के लिए क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 3 -X -3 अपॉन -3। देखो भाई, जब ये 3 से कम होगा, जब ये 3 से कम होगा तो ये कहाँ का जाएगा, एक्स माइनस थ्री माइनस का जाएगा, तो इसके बाद जब ये 3 से कम होगा तो ये 3 है ये एक्चुअली, तो -3 प्लस -3 है और इससे कम है, तो एक्चुअली माइनस आएगा, तो क्या आएगा, -X -3 अपॉन -3 इक्वल टू क्या आ गया, -1। इसी तरह से अब हम इसकी क्या निकालते हैं, और अच्छा क्या निकालते हैं इसकी, आर एच एल, आर एच एल किसको निकालते हैं, इसकी लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस क्या निकालते हैं, -3 अपॉन -3, ये -3। इसमें देखते हैं ये 3 से बड़ा है, इनकी राइट हैंड में है, तो एक्स टेंस टू 3 से बड़ा है, ये -3 माइनस का होगा प्लस का होगा भाई, हाँ एक्चुअली ये ऑब्वियसली प्लस का होगा, क्योंकि ये -3 प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा भाई, ये क्या होगा, ये बड़ा होगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस -3 अपॉन -3 लिमिट एक्स टेंस टू 3। इससे ये जाएगा, क्या आएगा, ये अच्छा देखो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई थी इसमें, -1। राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई इसमें, कितनी आ गई इसमें बोलो, 1। कितनी आ गई इसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -1। राइट हैंड लिमिट लिखेंगे LHL इक्वल हो गए, हाँ ठीक है, नहीं इक्वल है, फंक्शन इज नॉट
अगर किसी भी फंक्शन की एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल है तो यह फंक्शन क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता। होता है इन डिटर मिनट फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म। इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती है भैया? इंडिटरमिनेट वो फॉर्म होती है जिसे कहते हैं मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं, जिसे सोल्व ना करा जाती है। इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती है? ये सात होती है। कौन कौन सी होती है? आठ होती है। कौन कौन सी होती है? जीरो पॉइंट जीरो, जीरो पॉइंट जीरो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई जीरो, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई जीरो, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, जैसे पहली है दो, जीरो की पावर जीरो, जीरो की पावर इन्फिनिटी ये होती है, दो तीन चार पांच छः सात वन की पावर इन्फिनिटी क्या होती है? वन की पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की पावर जीरो और इन्फिनिटी की पावर जीरो। ये होते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्या होती है ये आठ इंडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं। क्या होती है, क्या होती है? जीरो अपॉन जीरो, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई जीरो, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई इनफाइनाइट, जीरो की पावर जीरो, इनफाइनाइट इनफाइनाइट की पावर, इनफाइनाइट की पावर जीरो, इनफाइनाइट की पावर जीरो और वन की पावर ये होती है। ठीक है, ये जो है आठ जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, मीनिंगलेस होती है। अगर ये कहीं आ जाए तो उसको पहले जो है कुछ फॉर्मूले से या कुछ भी बहुत इजी जो हम पहले पढ़ चुके हैं 9th 10th 11th 12th में, उससे सोल्व करते हैं, फिर उसको जो है कोई फॉर्मूला लगा के फिर जो है उसकी जो है वैल्यू निकालते हैं। तो मतलब वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, कोशिश करते हैं लिमिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्सेप्शन शेप केस को छोड़ के लिमिट की वैल्यू जीरो ना आनी चाहिए। इन फॉर्म को सोल्व करते हैं, पहले देखते हैं कि ये कैसी फॉर्म है। जैसे इसके फॉर्म करने का तरीका है, एक होता है एल हॉस्पिटल रूल। क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल? क्या होता है? ठीक है, आगे बढ़े भाई। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है भैया? एल हॉस्पिटल रूल, अगर कोई लिमिट है, मान लिया ये कोई क्वेश्चन है, लिमिट दे रखी है लिमिट एफ टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स की वैल्यू दे रखी है, लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो की वैल्यू दे रखी है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ एक्स अपॉन जी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स अपॉन जी एक्स की वैल्यू दे रखी है, अगर ये कहीं आ जाए, ये जीरो पॉइंट जीरो, ये जीरो मल्टीप्लाई इनफाइनाइट कुछ भी आ रहा है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो उसके ऊपर का भी डिफरेंशिएट कर दो, फिर क्या कर दो उसके नीचे कर दो, क्योंकि कोई नहीं
फर्क नहीं पड़ता, एफ डैश एफ जी डैश एक्स ई आ जाती है। अगर फिर भी मैं यूं कहता हूं कि फिर भी जीरो आ जाए, फिर भी ये इंडिटरमिनेट हो रहा है, फिर एक बार उसका वो कर लो, फिर क्या आ जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ डबल एक्स अपॉन जी दोबारा डेरिवेटिव कर लो, तो ये कहलाता है एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल। इसको मे बी कंटिन्यू टिल द इंडिटरमिनेट फॉर्म नॉट कैंसिल या विल बी जनरेट अगेन एंड अगेन। अगर ये फॉर्म, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म वही वाली, अगर जीरो फॉर्म जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ये आती रहेंगी, तो इसको जो है प्रोसेस को कई बार हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कंटिन्यू करते रहेंगे, तो जब तक कि ये होता है बाई, इसे बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल, एक ये रूल होता है। ठीक है भाई, समझने की बात है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहलाता है कि जब तक के, क्या कहलाता है ये, जब तक के ये इसकी इंजीनियर्ड फॉर्म खत्म ना हो जाए, जब तक के ऊपर का अलग डिफरेंशिएट कर लो, नीचे का अलग कर लो, फिर ऊपर का अलग नीचे का अलग करते रहो। यहाँ एफ डैश मतलब कोई फंक्शन दिया हुआ है लिमिट एफ टेंस जीरो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो क्या कर लेते हैं, पहले ऊपर का डिफरेंशिएट एक बार, फिर नीचे का एफ एक्स का एफ डैश एक्स आ गया मान लिया, जी एक्स का जी डैश एक्स, फिर एक बार वो डिफरेंशिएट करते हैं, एफ एक्स क्या आ जाता है एफ डैश एक्स जी एक्स का जी डैश एक्स, तो इस तरह कर लेते हैं। ये बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल बाई एल हॉस्पिटल रूल कहलाता है, यही फंक्शन में क्या कहलाता है, एल हॉस्पिटल रूल कहलाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। जैसे एक और फंक्शन है, अगर कहीं भी आ जाए, फॉर्मूले को याद कर लेना भैया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए है, तो डायरेक्ट ही है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले को रट लेना, याद कर लेना, अगर कहीं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू जीरो एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, क्या आएगा एन एक्स एन, क्या जाएगा यो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, क्या जाता है यो एन एक्स एन एक्स एन ए की पावर एन माइनस वन, एन ए की पावर ए एक्स एन ए की पावर एन, ये फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है ये। अगर जैसे जो एक्स माइनस ए है, नीचे भी एक्स माइनस हो, इन दोनों की सेम पावर हो, यहाँ भी एन है, तो क्या जाएगा ये एन ए की पावर एन माइनस वन, दैट इज कॉल्ड टू द लिमिट, दैट इज फॉर्मूला इज कॉल्ड टू द लिमिट, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत लगते हैं, तो इसको जो है सोल्व कर लेते हैं। जैसे मान लिया कोई, ठीक है भाई आगे बढ़े, कर लिया जो इस तरह ही लिमिट को सोल्व करने का तरीका, और सबसे पहले है फैक्टराइज मेथड, क्या है पहले, क्या है फैक्टराइज मेथड है, फैक्टराइज मेथड है, क्या क्या लिमिट को करने का तरीका क्या है, फैक्टराइज फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज मेथड क्या है, या फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स टेंस टू वन एक्स की पावर टू माइनस एक्स की पावर टू माइनस थ्री एक्स प्लस
लिमिट एक्स टेंस टू वन, लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स की पावर टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन। तो टू वन का टू, टू के एक्सपेक्ट है जिनका सम क्या हो। देखो अच्छा पहले एक्स की वैल्यू वन रखेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ वन की वैल्यू रखिए, वन का स्क्वायर माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन प्लस थ्री अपॉन वन माइनस वन, तो क्या आ गया वन माइनस थ्री प्लस टू अपॉन जीरो। तो टू और थ्री थ्री, थ्री माइनस थ्री अपॉन जीरो इक्वल टू जीरो अपॉन जीरो। तो ये तो लिमिट ही आ गई थी। इससे पहले जो सवाल करा था मैंने, वो एक सवाल ये करा था, ये लिमिट एक्स टेंड टू टू एफ स्क्वायर प्लस समथिंग, इस तरह का सवाल था ये, इस तरह का सवाल। अब इसमें जो देखा होगा तुमने, इसमें जो वैल्यू थी इसमें कहीं भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही थी, डायरेक्ट कुछ समथिंग आ गई थी, फोर अपॉन की आई थी जो भी आनी थी। लेकिन इसमें जो रखते हैं जीरो अपॉन जीरो आ गया, फिर जीरो अपॉन जीरो के मीनिंग लेस आ गए इंडिटरमिनेट फॉर्म को, इसको ही हम जो है सोल्व करेंगे। सोल्व किस तरह करते हैं, पहले जो है फैक्टराइजेशन मेथड है, अभी बताया एल हॉस्पिटल रूल है, या वो फॉर्म लगता है लिमिट एक्स टेंस टू अच्छा जैसे टू क्या थ्री हो, क्या एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, इन दोनों में से एक्स कॉमन लिया गया, क्या आ गया एक्स माइनस टू, इन दोनों में से माइनस वन कॉमन लिया गया एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, लिमिट एक्स टेंस टू वन, ये क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, ये एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन जाएगा, क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स माइनस टू, वो वन रख के क्या वन माइनस टू इक्वल टू माइनस। अब आ गए जीरो बाई जीरो से इसकी फॉर्म खत्म हो गए, इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, इसकी इसकी वैल्यू आ गई माइनस वन। अब इसका एक और तरीका है, दूसरा दूसरा तरीका तुम्हें सोल्व करने का, अगर ये होता कहीं ये क्या है, ये फॉर्म यही क्वेश्चन यही है मेरा, फिर वही अगेन लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स पावर टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन। इसको अगर मैं सोल्व करना है तो देखो ये मेथड है फैक्टर मेथड से बता दिया मैंने, अभी फैक्टर मेथड से ना करिए, इसको जो है अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म हो, जीरो बाई हाँ जो मैंने क्या बताया था ये बताना शायद भूल गया हूँ, जो ये एल हॉस्पिटल की जो फॉर्मूला लिखा है हॉस्पिटल का, वो इस फॉर्म में लिखेगा दो, या तो जीरो अपॉन जीरो हो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इस दो ही फॉर्म है। क्या बताया मैंने एल हॉस्पिटल रूल किस फॉर्म में लिखेगा, क्योंकि दो ही फॉर्म होती है, या तो जीरो अपॉन जीरो हो या और कितना हो, या हो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अच्छा ये है लिमिट एक्स टेंस टू वन, वही अभी सोल्व करा था, ये किस फॉर्म में है, जीरो अपॉन जीरो के फॉर्म है, किस फॉर्म में है, जीरो अपॉन जीरो के फॉर्म है, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है। तो इसमें अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे अप्लाई एल हॉस्पिटल, क्या आ गया ये हम इसको ऊपर का डिफरेंशिएशन कर देंगे और नीचे का एक्स क्या है, क्या डिफरेंशिएशन टू एक्स थ्री एक्स का माइनस थ्री टू का जीरो एक्स का वन, तो एक्स टेंस टू वन रखेंगे, तो कह रहे टू मल्टीप्लाई वन माइनस थ्री टू माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन,
हाँ वही लिमिट है, कई करोड़ घी तरह भी है। ये मैंने एलियो स्टेलून से कराया, यही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कैसे कराया मैंने, फैक्टराइज मेथड से। इन दिस इन बोथ प्रोसेस वी हैव द सेम आंसर, सेम आंसर इज इक्वल टू -1 एंड इक्वल टू -1। ठीक है भाई, आंसर हो गया, आगे बढ़े। चलो छोड़ो, ये जो है इसके बहुत बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू टू, एक्स टेंस टू टू लिमिट है क्या है, x की पावर 3 - 2 की पावर 3 अपॉन x - 2। अच्छा, अगर इसमें डायरेक्ट मैं लिमिट रख दूं 2, तो क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर 3 - 2 की पावर 3 अपॉन 2 - 2 = 8 - 8 = 0 = 0 अपॉन 0। ये क्या हो गई, 0 बाई 0 फॉर्म हो गई, ये फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। फिर इसका मुश्किल है सोल्यूशन निकालना, फिर इसका क्या फॉर्मूला है, अभी मैंने बताया था भाई, में एक्स टेंस टू ए की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a = तो क्या हो जाता है, n a की पावर n - 1। n इसमें n की वैल्यू क्या है भैया, इसमें n की वैल्यू क्या है, 3। a की वैल्यू क्या है, 2। n की पावर 1 3 - 1, 3 × 2 की पावर 2 3 × 4 = 12। क्या ये 3 × 4 = 12। ये जो है लिमिट एक्स टेंस टू टू x की पावर 3 - 2 की पावर 3 अपॉन x - 2 = 3 × 2 की पावर 3 - 1। ये आ गई, तो ये आगे लिमिट क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक, अगर हम देखते हैं कि जैसे भी ये लिमिट है, लिमिट में इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटा के सोल्व किया है क्वेश्चन, जो है जैसे क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भैया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक एक होता है सिग्नमैक्स फंक्शन, एक क्या होता है भाई, सुना के बिना, सिग्नमैक्स फंक्शन क्या होता है, सिग्नमैक्स फंक्शन की सिग्नमैक्स क्या होता है, सिग्नमैक्स फंक्शन ये होता है, अगर मान लिया कोई लिमिट है एक्स टेंस टू टू एक्स की फंक्शन निकालनी है, सिग्नमैक्स एक्स फंक्शन होता क्या है, सिग्नमैक्स एक्स फंक्शन होता क्या है, अगर सिग्नमैक्स एक्स इक्वल टू, हमने पढ़ा भी होगा तुमने, सिग्नमैक्स एक्स इक्वल टू 1 सिग्नमैक्स एक्स इक्वल टू 0 सिग्नमैक्स एक्स इक्वल टू -1। तीन फंक्शन हो गए सिग्नमैक्स एक्स के, कौन कौन से हो गए, 0 - 1 - 0 क्या क्या गए, 1 0 और -1 हो गए। ये कब होता है, अगर x > 0 x = 1 x < 1। यही है सिग्नमैक्स फंक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, सिग्नमैक्स फंक्शन कहलाता है।
क्या गलत है यो, एक्स इक्वल टू अगर 2 से 0 से बड़ा है तो 1 जाती है, एक्स की वैल्यू 1 पे 0 आ जाती है, और एक्स भी लेस देन की वैल्यू क्या होता है फंक्शन को मर्ज। अब इस फंक्शन को चेक करना है, ये लिमिट एक्सटेंशन फंक्शन पे क्या का इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। एग्जिस्ट करने का तरीका है, पहले एच एन निकाल लो, फिर क्या निकाल लो आर एच एन, एल एच एन, एल एल एच एन क्या आ जाएगी, ये लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस सिग्नल एक्स, और आर एच एन क्या आ गई है टू प्लस सिग्नल एक्स एक्स। अगर देखो ये जो एक्स टेंस टू 2 है, जो एक्स की लिमिट है, जो एक्स की जो लिमिट है वो एक्स क्या से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, नहीं बिल्कुल 0 से बड़ी है। एक्स की वैल्यू क्या से बड़ी है, 0 से बड़ी है, नहीं है, ये 0 0 आएगा भाई, तो छोड़ो ये 1 है, इस 0 ही आएगा, क्या आएगा एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स ग्रेटर। अच्छा ये देखेंगे हम जो है ये 2 है, ये 0 से बड़ी होगी नहीं है, तो इसमें कितनी आ गई इस वैल्यू 1 लिखने में, वो इसकी जो आरएचएल में है ये भी 2 से बड़ा है, 2 की नियरेस्ट है, 2 ना हो तो 2 के आसपास तो है ही है, तो ये भी है, तो इसकी वैल्यू 2 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये भी 1 आ गई मेरे भाई, ठीक, तो दोनों क्या आ गई इक्वल आ गई। आर एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, अगर आर एच एल एल एच एल के इक्वल है तो दोनों क्या होगी वैल्यू क्या होगी, तो फंक्शन क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, हाँ करेगा, फंक्शन कैसे करेगा ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन क्या करेगा ये तो एग्जिस्ट करेगा, कैसा एग्जिस्ट करेगा कि एल एच एल इक्वल टू आर, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई है सेम आ गई, तो फंक्शन लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो क्या करेगा, वो उसे एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है आगे बढ़े भाई। जैसे अगर कोई अच्छा मतलब अगर ये सिग्नम एग्जाम्पल एक दूसरे का एग्जाम्पल देता हूं कि ये कब एग्जिस्ट नहीं करता, सिग्नम फंक्शन कब एग्जिस्ट नहीं करता, अगर कब नहीं एग्जिस्ट करता तो ये ही होता मान लिया, जैसे कब एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 सिग्नम में एक्स फंक्शन है, तो इसकी वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता भैया, एक्स टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर क्या निकाल लेता इसकी राइट हैंड लिमिट, अगर इसकी एक्स टेंस ये इसके लिए 0 से छोटा है, 0 से छोटा है सिग्नम फंक्शन, 0 से अगर छोटा हो गया तो क्या वैल्यू क्या आएगी माइनस 0, इसका मतलब ये 0 से बड़ा, 0 से बड़े की वैल्यू क्या आती है सिग्नम फंक्शन की 1 आ गई ना, बात समझ उसमें दोनों में जो 2 था यहाँ वो 2 जो है 0 से दोनों बड़े थे इसलिए 1 1 रखी थी इससे पहले क्वेश्चन में, अब जो है ये जो है 0 से छोटा, 0 से छोटे जीरो की छोटे की वैल्यू क्या आती है 1, 0 से छोटी की वैल्यू क्या आती है -1 और 0 से बड़े की वैल्यू क्या आती है 1, सो 1 1, तो एल एच एल आर एच एल में क्या रिलेशन हो गया लिखेंगे एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, हैंस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ये सिग्नमैक्स फंक्शन के मैंने एग्जाम्पल बताए, वो एक में जो एग्जिस्ट हो गया एक में क्या आ गया डज नॉट एग्जिस्ट, अगर इस तरह का जो फंक्शन होगा एक्स टेंस टू 0 पे इसका एग्जाम्पल है कि फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी लिमिट ठीक है नहीं कि लिमिट नहीं निकाल लिया, ठीक है अब जैसे
अच्छा एक और देखो, एक अगर मैं मैथमेटिकली एलएचएस को ये भी लिख सकता हूँ, डेफिनेशन है क्या लिख सकता हूँ मैं, जैसे मान लिया क्या है, जैसे मान लिया कोई फंक्शन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिख सकता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, इसके राइट। अच्छा इसे बताया था मैंने, नई बात क्या है, इसमें इसे लिख सकता हूं मैं ए माइनस एच, क्या लिख सकता हूँ फिर, ए माइनस एच, इसे लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच। अब इसमें ये नहीं करता हूं, अब करूंगा एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो करूंगा यहां पर, ये ध्यान रखना है, एच टेंस टू जीरो आ जाता है, क्या जाता है, एच टेंस टू जीरो। इसी तरह राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा भाई, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, ये आ जाता है, ये आ जाता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच का क्या आ जाता है, ये आ जाता है एफ ए प्लस एच। ये हो गया एल एच एच लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या आ गया राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं, ज्यादातर वैसे इस तरह लिखते हैं, ये लिखता आ रहा ना, ये अगर है तो ये समझ जाना कि क्या कहना चाह रहा है, कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखो अगर एक और है, जैसे एक क्वेश्चन है और आगे बढ़े भाई, कोई फंक्शन दे रखा है इसने, एफ एक्स कितना फंक्शन दे रखा है इसने, इस तरह का कोई फंक्शन है, कितना फंक्शन है ये, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन आगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर आगे टू एक्स प्लस सेवन आगे एंड एक्स इज लेस देन वन, एक्स इज इक्वल टू वन लेस देन एक्स इक्वल टू थ्री, और ये क्या आ गया एक्स इज ग्रेटर देन, ये एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। इसकी लिमिट निकालनी है मुझे, लिमिट एक्स टेंस टू वन ऐसा, इसकी लिमिट निकालनी है मुझे एक्स टेंस टू वन एफ एक्स, इसकी लिमिट निकालनी है। फिर ये देखना है कि फंक्शन पे इसकी क्या है, इसकी लिमिट, तो इसकी दो है, दो लिमिट होंगी इसके अंदर, कौन कौन सी निकालनी है, जैसे पहले निकाल लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकाल लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आ जाएगी इसकी लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स, एफ यानी एक से जो छोटा है, एक से छोटा है एक्स की वैल्यू, एक ये एक से छोटी है, एक या एक से छोटी है, कौन सी वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वन, कितनी आ जाएगी ये लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस वन। अच्छा अभी यार ये कह सकते हो तुम, ये कह सकते हो कि एक्स की वैल्यू
यहाँ मैंने एक क्यों प्रूव कर दी, एक के आसपास थी, एक के बहुत स्लाइटली आसपास थी। जैसे मान लिया ये है ना, अगर मान लिया 3 रुपए इसे, 3 इसे कह सकते हैं 2 रुपए 99 99 ये, या 2.98 2 रुपए 98 या 3 रुपए के इक्विवेलेंट है अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। अब अगर क्या है यहाँ की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो भैया अब मैं निकाल दूंगा राइट हैंड लिमिट। अब क्या निकाल दूंगा मैं राइट हैंड लिमिट, क्या निकाल दूंगा मैं इसकी राइट हैंड लिमिट, क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस क्या आ जाएगा भाई इसमें एफ एक्स, क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा एफ एक्स, किसकी वैल्यू बड़ी इसमें एक्स की वैल्यू यानी कि एक से बड़ी है, एक से बड़ी है तो क्या आ जाएगी कहाँ एक्स की वैल्यू एक से बड़ी, ये भी है क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसमें 1 रख दूंगा 1 प्लस 4 क्या आ गया 5, क्या आ गई भैया ये 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गई है 5, इसमें जो है दोनों इक्वल है भैया, इक्वल है दोनों नहीं, दोनों जो है इक्वल नहीं है, दोनों क्या नहीं है इसके अंदर इक्वल नहीं है। अच्छा इसके इसके ये क्या आ गया नहीं एल एच एल इज नॉट इक्वल टू, इसका शॉर्ट फॉर्म में डज नॉट एग्जिस्ट इक्वल है डी एल ई जी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको डी एल ई डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट लिमिट हैव डज नॉट एग्जिस्ट यानी से बोलते हैं डी एल ई, डी एल ई कोई फंक्शन है इसका किस फंक्शन है तो इसमें अगर ये नहीं होता एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल दैट इज वी कैन से द फंक्शन इज डी एन ई मतलब डज नॉट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भाई आगे बढ़े, अगर मैं यूं कहूं कि लिमिट निकालनी है मुझे लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स टेंस टू थ्री एफ एक्स लिमिट हो गया जा रहे मैंने ये लिमिट हो गई क्या थी वो ये थी ना एक्स टेंस टू लेस देन वन और क्या थी ये वन एक्स थ्री तो ये x इज ग्रेटर देन क्या थी 3 x इज ग्रेटर देन 0। अब मुझे लिमिट निकालनी है लिमिट x टेंस टू 3 f x पर निकाल दो भैया लिमिट x टेंस टू 3 f x पर लिमिट x टेंस टू 3 f x पर निकालिए क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस थ्री एफ एक्स को निकालिए इसकी वही है फिर वही तरीका है मैं एल एच एल निकाल लो फिर क्या निकाल लो उसकी आर एच एल क्या निकाल लो उसकी एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स यानी 3 से थोड़ा सा कम 3 से थोड़ा सा कम तो कौन सी आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस 4 क्या आ गई है एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू 3 क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया 3 का स्क्वायर प्लस 4 कितना आ गया 13 9 प्लस 4। अब इसे क्या निकाल लो मैं राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस प्लस ये क्या आएगा एफ एक्स इक्वल टू लिमिट्स एक्स डैश टू 3 क्या जाएगा ये जो एक्स की वैल्यू है क्या है भैया एक्स की वैल्यू है अब क्या है 3 से ज्यादा है 3 से ज्यादा कहाँ है ये इसकी वैल्यू कितनी है 2x प्लस 7 कितनी है 2x प्लस 7 कितनी आ गई वैल्यू इसकी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 7
कितना गया ये? अब इस फंक्शन में देखता हूं एल एच एल की वैल्यू कितनी आ गई है, 13। एल एच एल की वैल्यू कितनी आ गई है, 13 आ गई। कितनी आ गई? वो आर एच एल की वैल्यू कितनी आ गई, वो भी 13। तो लिखेंगे एल एच एल इक्वल टू आर एच एम एल। फंक्शन की लिमिट जो है निकाल सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई है, एग्जिस्ट कर गई। क्या आ गई है? एक और सवाल देखेंगे भाई, यदि अब थोड़ा थोड़ा हम हल्के हल्के डिफिकल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे फिर देखेंगे। जैसे ये भाई आ रहा है भाई, अगर किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो कैन आस्क एनी डिफिकल्ट। लिमिट एक्स टेंस टू वन, लिमिट एक्स टेंस टू वन क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर थ्री एक्स की पावर फोर एक्स की पावर एन माइनस एन। ठीक है, अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन, देखो भाई इसमें क्या आ जाता है, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन वन अब टू एन बार, तो एन क्या जाएगा, ये आ गया वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन अब टू एन टाइम्स और माइनस एन अपॉन वन माइनस वन वन माइनस वन। अच्छा वन को एन बार टाइम्स करके प्लस करके क्या आ जाएगा, एन सही है, क्या गया माइनस एन अपॉन वन माइनस वन जाओगे जीरो, तो क्या गया जीरो अपॉन जीरो। ये एक्चुअली अगेन इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। इसको सोल्व किस तरह करते हैं, इसका सोल्व करते हैं, जैसे जैसे ये है जी मैंने बताया वन को वन प्लस वन वन एन टाइम्स वन लिखा, वन टाइम ये जो ये एन है ये वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन लिखा हुआ है, यानी कि माइनस के अंदर है ये ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है माइनस ए, इस तरह ए इसी तरह लिखा है वन एन बार। और ये फंक्शन ये सारे ये जितने हैं एक्स एक्स स्क्वायर एक्स और ये भी सारे एन है, ये भी सारे क्या है एन है नंबर, ये भी एन है। एक साथ इनके साथ ले लूंगा फंक्शन, एक एक्स के साथ ये इसके साथ ये इसके साथ, ठीक जब एन है ये। और ध्यान रखना है बाहर क्या है माइनस है, तो माइनस वन लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा ये माइनस का वन लिया जाएगा, जब ये एन है वन वन के, तो एक का एन जो है सबके साथ जो है मैं ले लूंगा, तो क्या जाएगा, ठीक है जैसे क्या जाएगा ये लिमिट क्या जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स पावर थ्री माइनस वन प्लस अब टू एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस। अंडरस्टैंड भाई सुनवा के बाद। अब मैं क्या करता हूँ, अब सबको जो है इसको अलग अलग करके लिमिट लिखता हूँ, इसके बटे ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सबका ना, तो इसके अपॉन ये प्लस इसके अपॉन ये प्लस इसके अपॉन ये प्लस इसके अपॉन ये, इस तरह लिखता हूँ। ठीक कैसे क्या आ जाएगा ये लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस यानी लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस लिमिट एक्स स्क्वायर अब टू
देखो, इसके फोन ये कर दिया, इसके फोन ये, इसके फोन ये कर दिया, इसके फोन ये कर दिया। अब देखो ठीक है भाई, अब क्या है ये, अब ये वो, ये तो वन से वन जाके आ गया, यहाँ वन आ गया, क्या आ गया यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, वन आ गया। ये तो देखो, या तो इसका तरीका होता है ये अलग अलग लिमिट रख लो, या सबकी भी अगर ये करना चाहना, ये करना चाहोगे सबकी लिमिट इकट्ठी कर लो, ये जब यही काम करेंगे, ये दबा के ये ब्रैकेट लिखो, जब भी एक बात है ठीक है भाई, ये तो चाहे सबकी अलग अलग लिमिट लिख लो फिर ये। अच्छा अब ये एक फिर देखो, ये तो वन आगे चलो, अब ये क्या आ जाएगा, फिर ये छह है ना वन, एक्चुअली इसे वन का स्क्वायर भी कर सकता हूँ, ये जहाँ ये है इसे क्या रखता हूँ, वन का क्यूब, इसे वन पावर फोर, इसे वन की पावर, कोई सेंस है, यहाँ वन है एक्स पावर वन है तो यहाँ वन, ये चीज तो सेम है ही, ये तो वन आ जाएगी, क्या आ जाएगी वन, क्या आ जाएगी ये वन। अच्छा ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक वही फॉर्मूला है, एक हमने देखा था लिमिट क्या था, वो एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए लिमिट, भूले तो नहीं भाई, एक्स टेंड्स टू ए क्या आ जाएगा, वो एन ए की पावर एन माइनस वन, क्या आ जाएगा फॉर्मूले, वो लिमिट एन टेंड्स टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये है ये था ना फॉर्मूला, एन ए की पावर, फिर वही फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ, चलो ये तो वन आ गया, ये तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर इसमें फॉर्मूला ये क्या आएगा, टू एन टू ए की पावर टू ए की पावर ए एन की पावर माइनस वन, क्या जाएगा टू माइनस वन, फिर आगे क्या जाएगा थ्री, इसमें थ्री ए की पावर थ्री माइनस टू, फिर फोर इंटू ए की पावर फोर माइनस वन, अब टू एन एन ए की पावर एन माइनस क्या जाएगा वन, ये आ जाएगा। अच्छा देखो वन तो जुगत हूँ, यहाँ प्लस टू मल्टीप्लाई वन का क्या जाएगा, या वन यहाँ क्या जाएगा, वन का टू, यहाँ क्या जाएगा वन की पावर थ्री, या वन की पावर एन माइनस वन, यानी कि वन की पावर कुछ भी कर दो, वन की पावर क्या कर दो, कुछ भी कर दो, जैसे ये है वन की पावर वन, कितना वन, वन की पावर टू कितना था, वन मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू वन, यानी इन एवरी कंडीशन द पावर ऑफ वन वी हैव द वन, वन की पावर ऑल द वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ वन पावर इज है वी हैव द वन, तो दैट इज मीन क्या गया है वन प्लस, क्या आ गया मैं वन प्लस टू मल्टीप्लाई वन टू, थ्री मल्टीप्लाई थ्री प्लस फोर अब टू एन अब टू, यानी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, इट इज अ सिंपल फॉर्मूला, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर वी हैव इन एलजेब्रा, द सम ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या है, एन इक्वल टू एन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन सिंपल फॉर्म, इसे आगे एन इक्वल टू एन अपॉन वन एन प्लस वन अपॉन टू, यानी द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर वी हैव एन इक्वल टू एन प्लस वन, तो ये लिमिट का बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन देता फॉर्मूला सीधा सीधा इसकी वैल्यू आ जाएगी एन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू। आगे बात समझ में आ रखी भाई, आगे बढ़े अगर नहीं समझ में आई तो। एक क्वेश्चन देखते हैं आगे, देखो एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, लेट ए बी एन इंटीजर
such that एक ऐसा इंटीजर है, लेट ए बी एन इंटीजर सच दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन यानी एक्स क्या है एट माइनस वन माइनस एक्स लगाए अपॉन एट माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये तीन कर लो उसको एक्स माइनस थ्री इस तरह एक्स माइनस थ्री ए एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री ए एग्जिस्ट वेयर एग्जिस्ट वेयर इक्वल टू सेवन कर लो ए बी एन इंटीजर सच दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एटीन माइनस वन माइनस एक्स इस तरह की एग्जिस्ट करता है, क्या करता है वो इस तरह की क्या एग्जिस्ट करता है वो देन ए इज इक्वल टू then a is equal to ये इस तरह क्या a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। अच्छा अगर कहीं भी इसके फॉर्म में देखेंगे ये कोई 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 लेट a इंटीजर इस तरह कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है, इस तरह की कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है जी, तो इसमें क्या निकालनी है, इसमें क्या है? अच्छा अब इसमें जो है इसकी ए की वैल्यू निकालनी है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसकी वही बता दी मैंने एल एच एल और राइट एल एच एल और आर एच एल दोनों क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, एल एच एल और आर एच एल जब इक्वल होंगी तो किससे निकाल लेंगे भैया इसका पहले निकाल लेंगे एल एच एल और आर एच एल क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। अच्छा इससे पहले एक और पॉइंट हो, अगर ये इसमें हो ये एक्स प्लस आई हो इंटीजर हो तो इससे निकाल सकते हैं इसे एक यूफॉर्म में मोड एक्स प्लस आई यानी कि जो इंटीजर है उसको भी है बाहर कर लेते हैं, यहां से बात अंडरस्टैंड भाई। और अगर ठीक नहीं है अगर कहीं ये माइनस में आ रहा जैसे माइनस थ्री आए तो एक कम आ जाता है इसका आंसर माइनस फोर, या अगर कहीं माइनस टू पॉइंट सेवन आ रहा तो इससे कम एक माइनस के थ्री ये आंसर आ जाता है, ये ध्यान रखना है दो फॉर्मले क्या है, दो फॉर्मले क्या है अगर कोई इस तरह ब्रैकेटिंग हो ये एक्स प्लस आई आ रहे हैं इस तरह रेक्टेंगुलर ब्रैकेटिंग हो तो क्या आ जाता है ये लिमिटिंग ये एक्स आ जाता है और इंटीजर का बाहर आ जाता है ठीक। इसी तरह से अगर ये है तो इससे ये माइनस में है तो इससे एक कम माइनस थ्री एक कम माइनस चार माइनस टू पॉइंट सेवन इससे एक कम माइनस के सी आ जाता है, क्या जाता है इससे माइनस का सी आ जाता है। ठीक नहीं है अब देखो अब क्या है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देंगे, पहले क्या निकाल लूंगा मैं देखो पहले सवाल है मेरा लिमिट एक्स टेंड्स टू सेवन, लिमिट एक्स टेंड्स टू सेवन क्या है एटीन माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री है एक्स माइनस इंटीजर है क्या है एक्स माइनस देखो भाई ये यहाँ ये वन भी इंटीजर है और थ्री है इसे बाहर निकाल लेंगे क्या जगह लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एटीन माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री ए एक्स माइनस
इससे आगे ना ये एक्स माइनस थ्री ए, ठीक है, ये क्या आ जाएगा यहाँ से, एटीन वन में से जाके लिमिट x टेंस टू वन सेवन सेवनटीन माइनस x अपॉन x माइनस थ्री है, यहां से बात नहीं होगी। अब इसकी जो है मैं राइट हैंड लिमिट निकाल दूंगा, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू सेवन क्या आएगा इसमें, इस वाले की निकाल लूंगा ना मैं। अच्छा ये क्या आ जाएगा यहाँ, सेवनटीन माइनस सेवन अपॉन, अच्छा जब यहाँ, जब मैं यहाँ ये सेवन रखूंगा, जब मैं यहाँ क्या रखूंगा, यहाँ क्या रखूंगा, सेवन रखूंगा, सेवन से थोड़ा छोटा, सेवन से थोड़ा छोटा होगा, सेवन से एक थोड़ा छोटा होगा, तो क्या आएगा ये, सेवन से क्या आएगा ये, सेवन से थोड़ा छोटा होगा, यानी माइनस सेवन रखूंगा, ये सेवन से छोटा ही होगा, तो क्या आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा ये यहाँ इस वाले में, सेवनटीन माइनस सेवन से थोड़ा छोटा रखूंगा, तो क्या आ जाएगा ये, यानी कि सिक्स पॉइंट सिक्स, सिक्स पॉइंट होगा कुछ, सिक्स पॉइंट समथिंग होगा, तो उससे एक कम किया गया सेवन पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये माइनस से, क्या आ जाएगा ये सेवन आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ माइनस के एक कम है ना, सिक्स पॉइंट माइनस सिक्स आएगा है, सिक्स पॉइंट समथिंग रहेगा, तो इससे एक कम सेवन पॉइंट है, माइनस और माइनस क्या जाएगा ये प्लस आ जाएगा, क्या जाएगा ये माइनस और माइनस क्या जाएगा ये प्लस आ जाएगा, तो सेवनटीन प्लस सेवनटीन अपॉन क्या जाएगा, सेवनटीन प्लस सेवनटीन अपॉन ये क्या जाएगा ये सिक्स, क्या जाएगा यहाँ ये यहाँ सेवन आएगा, क्या आएगा यहाँ सेवन आएगा, तो ये सेवन की वैल्यू क्या आएगी एक कम, कितनी आएगी सिक्स नहीं आएगी, जिससे यहाँ सिक्स पॉइंट समथिंग था, एक्स लेस देन था, यहाँ लेस देन था, मान लीजिए होगा सिक्स पॉइंट नाइन एट, तो इससे एक कम ये, तो इसलिए यहाँ ये सेवन आ गया था, माइनस की अगर हो गई है यहाँ, अगर ये सेवन है इससे एक कम क्या आ जाएगा ये सिक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये इससे कम जो है सिक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये सिक्स माइनस थ्री ए, सिक्स माइनस थ्री ए क्या जाएगा ये ट्वेंटी फोर अपॉन सिक्स माइनस थ्री ए, तीन में से दो में से कॉमन लिख दूंगा, इसे लिमिट हटी गई है रख दी, तो थ्री कॉमन लेके आएगा एट अपॉन टू माइनस ए, एट माइनस टू अपॉन ए आ गए, ठीक है जी, इसकी क्या गई एल एच एल आ गई, क्या गई इसकी एल एच एच, इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी भाई इसकी, देखो भाई ये जो है राइट हैंड लिमिट में जो है एक्स सेवन जो है सात से क्या होगा ये बड़ा होगा, सात से क्या होगा ये बड़ा, सात से थोड़ा सा क्या होगा ये बड़ा होगा, क्या होगा ये जब सात से बड़ा होगा तो क्या आएगा माइनस एक कम माइनस, तो क्या आएगा यहाँ ये आठ आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसे सेवन पॉइंट वन वन में क्या आ जाएगा इसे एक, तो क्या आएगा ये एटीन पॉइंट, क्या आएगा ये एटीन प्लस एट, जब ये छह पॉइंट था तो सात आ गया, जब यहाँ पूरा सात होगा सात से थोड़ा ज्यादा होगा क्या आ जाएगा एट आ जाएगा, एट अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ, अच्छा फिर इसी तरह से ये एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी है सात से ज्यादा है, सात से ज्यादा है तो क्या आ जाएगा ये सेवन पॉइंट, क्या आ जाएगा ये सेवन पॉइंट सेवन माइनस थ्री ए, क्या आ जाएगा सेवन माइनस थ्री ए, सेवन माइनस थ्री ए इक्वल टू कितना आ गया एटीन प्लस एट कितना आ गया ट्वेंटी सिक्स अपॉन सेवन माइनस थ्री ए, ट्वेंटी माइनस थ्री तो सेवनटीन है, तो सेवनटीन है, अच्छा अब ये कह रहा है कि ये लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर दिया, क्या करती है ये एग्जिस्ट कर दिया, क्या करती है ये एग्जिस्ट करती है, दोनों लिमिटें जो है नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही है, यो जब ये एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फोर एग्जिस्ट के लिए क्या बताया था मैंने, फोर एग्जिस्ट के लिए क्या बताया था मैंने एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, इसकी वैल्यू रख दूंगा मैं क्या आ गई एट अपॉन
2 minus a is equal to 25 upon 7 minus 3a. मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, क्या आ गया 56 माइनस 24 ए इक्वल टू 50 माइनस 50 ए, ठीक है, तो ये क्या आ गया माइनस के 24 ए प्लस 50 ए इक्वल टू 50 माइनस के 56, 24 माइनस 56 50 आ, किससे बच गया 26 ए इक्वल टू माइनस छ, ए इक्वल टू माइनस छ पॉइंट छब्बीस, माइनस के 3 अपॉन 13, ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 3 अपॉन 13 आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 3 अपॉन 16 कर लेंगे, तो ये हम जो हम लोग जाए ये जाए इसकी वैल्यू निकल जाएगा करेगी, ठीक है। अगर भाई कोई सॉल्यूशन में तो गलती होगी देख लेना यार, तो हमें ठीक है, ये 25 दूनी 50 है, 56 8 से 24 ठीक है, ये 25 दूनी 50 25 ए आता है, क्या आता है ये 25 ए, वो ये क्या आता है ये 25 ए, ए इक्वल टू माइनस 6, क्या आता है ये आंसर, ठीक आपने ध्यान चीज का ए इक्वल टू क्या आता है ये, सॉरी ये ठीक है ए इक्वल टू माइनस 6। अब सवाल क्या था मेरा, ये सवाल था कोई फंक्शन है इस तरह था, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्स टेंस टू 7 लिमिट है, इस तरह का फंक्शन है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ए की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है ए की वैल्यू निकालनी है, और ए ए जो है इंटीजर है, ये लिमिट ये इसके फॉर्म में है, यानी कि कोई इसमें एक्स प्लस आई हो तो स्ट्रेट ये तो इसमें रह जाता है, ये टेबल में ये रह जाता है, इसके ब्रैकेट में प्लस इंटीजर अंदर है, अगर माइनस 3 है तो इससे कम माइनस 4 आ जाता है, माइनस 2 पाई जाता है माइनस 3 से कम आ जाता है, तो ये फंक्शन दिया हुआ इसकी जो है ये इसका लिमिट अलग कर ली, तो ये 17 आ गया, इस तरह आ गया, तो फिर इसकी पहले एलएचएल निकाल लूंगा, फिर क्या निकाल लूंगा एलएचएल, ये 7 से कम है, 7 से कम है 6 पॉइंट, तो ये कम 7 आ जाएगा, ये 7 से ज्यादा है तो क्या आ जाएगा 7.1 में 8 आ जाएगा, तो ठीक इसी तरह ये है निकाल लेते हैं, ठीक है भाई आगे बात करिए, अगर कोई कोई प्रॉब्लम हो कोई इंक्वायरी हो कोई, ठीक है आज के लिए इतना ही है, फिर आगे नेक्स्ट टाइम पे फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है बाय।